या फाइनली आज जो है 35 ईयर्स कंप्लीट होगा सलमान खान के अपने करियर के। अगर आप देखें तो 35 ईयर्स बहुत ही लंबा वक्त होता है अगर आप देखें तो। अगर सही ढंग से देखा जाए तो आपकी हमारे कितने सारे लोगों की तो इतनी उम्र भी नहीं है। 35 ईयर्स से वर्क करते हुए बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर बहुत ही लंबा वक्त है। 88 के समय से अगर आप अंदाज़ा लगा ले पूरी तरह से 2023 तक, तो आपको दिख जाएगा पूरा कि 35 साल का लंबा वक्त बीता है। उन बहुत सारे बड़े एक्टर्स का भी अभी तक इतना वक्त नहीं हो पाया। खैर डेब्यू के वक्त की बात है कि किसने कब डेब्यू किया, तो काफ़ी अर्ली एज में उन्होंने अपना डेब्यू कर लिया था। लेकिन आप लोग अगर मालूम है, मतलब ये 35 ईयर सिर्फ 35 ईयर नहीं है, 35 गोल्डन ईयर से वाकई में अगर आप देखें तो फिल्म्स के मामले में, बॉक्स ऑफिस के मामले में, सभी चीज़ों में। और 35 ईयर करियर में ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफ ऊपर ही रहा, हमेशा ऊपर नीचे सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी घटनाएँ हुई, सब कुछ हुआ, अच्छा वक्त बुरा वक्त सब कुछ 35 ईयर के लंबे करियर में। और फैंस सभी वक्त मौजूद रहे साथ में, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये बहुत ही अलग वक्त रहा है। आप लोगों को मालूम होगा जैसे कबीर बेदी एक एक्टर है जिनको आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा एक्टर है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करते रहे हमेशा से, देखा होगा आपने फिल्मों के अंदर। उन्होंने एक बार ही बहुत पहले बात कही थी कि कोई भी एक्टर अगर इंडस्ट्री के अंदर 25 साल कंप्लीट करता है तो उसे ऑस्कर लेवल का अवार्ड देना चाहिए, वो ऑस्कर लेवल का अवार्ड से कम वर्दी नहीं है, उसको इतना मिलना ही चाहिए सम्मान, इस लेवल का सम्मान मिलना चाहिए, इतना बड़ा वो होता है उसका काम जो इतने वक्त तक टिका है 25 साल तक, तो वाकई में बड़ी बात होती है। हालांकि अगर आप देखें तो 35 साल के लंबे वक्त तक अगर उन्होंने काम किया है, 35 साल तक मौजूद है, तो 25 साल से ज़्यादा ही वक्त हो गया 35 साल का। लेकिन अगर आप देखें, चले कौन से लोग कह सकते हैं कि भाई वो तो उनके पिता की वजह से सलीम खान या उनकी वजह से इतने वक्त काम करते रहे, लेकिन अगर आप देखें ये बात सही है कि शुरुआती वक्त में आपको काम मिल जाता है, लेकिन अगर आप लगातार काम करो, जनता आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आप इतने लंबे वक्त तक काम नहीं कर पाते। इसका एक बड़ा सा उदाहरण है कहीं ना कहीं अगर आप देखें तुषार कपूर जो जितेंद्र की औलाद हैं और उन्होंने इतना काम किया, स्टार्टिंग उनको बढ़िया डेब्यू मिला, एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में लगातार ही मिली, लेकिन जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर आप देखें तो उन्होंने टोटल लगातार 10 साल भी प्रॉपरली उन्होंने काम नहीं किया। और अगर आप देखें तो फिर उसके बाद द डर्टी पिक्चर के बाद तो मुझे लगता भी नहीं कि मैंने उन्हें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा देखा है, क्या कूल है हम वगैरह, फिर भी आपने थोड़ा देख लिया होगा उसके सीक्वल में, लेकिन उतना वो ऐसे देखने को मिले ही नहीं, तो उनका करियर ज़्यादा चल ही नहीं पाया एक तरह से। अगर आप देखें 10 साल भी प्रॉपरली नहीं चल पाया, तो सिर्फ वो बात नहीं है नेपोटिज्म वाली, अगर आप देखें तो प्रॉपरली जनता का पसंद करना भी ज़रूरी है, तभी आप इतनी लंबी जर्नी कर सकते हैं जैसे बच्चन साहब को हम इतनी लंबी जर्नी करते देख रहे हैं। लेकिन फाइनली सलमान खान के करियर के 35 साल कंप्लीट हुए, जो कि बहुत ही गोल्डन ईयर्स है, और फैंस की वजह से ये सब संभव हो पाया है।